में जितने भी डिजास्टर से रिलेटेड सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग जिन वॉलंटियर्स को या आम जनता को प्रोवाइड किया गया है, उनका लिस्ट और मोबाइल नंबर हमारे पास है। उनको हम लोग ने एक्टिवेट किया है कि अगर कहीं कोई ऐसे इवेंचुअलिटीज या कोई डिजास्टर कैलामिटी की सूचना आती है तो उनकी सेवाएं भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लैंडस्लाइड्स आपके नंबर्स अगर आप पूरे स्टेट में देखेंगे तो थाउजेंड्स होंगे, बिकॉज आपके विलेज रोड्स में भी लैंडस्लाइड्स होंगे, स्टेट हाईवेज पे है, एमडीआरस पे है, ओडीआरस पे है। हम लोग जो टिपिकली बात करते हैं जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन्स है, सो इसका जो हमारा नंबर्स होगा ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएट करता है। ये फ्लक्चुएट इसलिए करता है कि अगर कोई एक्टिव लैंडस्लाइड जोन अगर एक साल में है, हो सकता है प्रॉब्लली वो नेक्स्ट ईयर में उतना एक्टिव ना रहे, या इस साल हो सकता है कोई नया एक्टिव लैंडस्लाइड जोन डेवलप हो जाए आपका। सो उसकी जो नंबर्स है वो 150 से लेकर 250 के आसपास है हमारे स्टेट में। जितने भी नेशनल हाईवे के अलॉन्ग आपके क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, हम लोगों ने मिनिस्ट्री से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था इस बार कि उनका क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट भी आपके जो रोड बन रही है उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे कभी ये व्यवस्था थी नहीं, नॉर्मली हमेशा ये होता रहा कि आपकी रोड कट जा रही है और हम लोग क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन को, बिकॉज छोटे से लैंडस्लाइड जोन के, अगर जैसे 100 मीटर्स का लैंडस्लाइड जोन है उसमें यदि आपको टो इरोजन के वर्क करने हैं या उसके पास सॉइल नीलिंग के वर्क करने हैं तो उनकी कॉस्ट करोड़ों में होती थी, तो 100 मीटर की कॉस्ट पता लगा आपको 10 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास है। सो मिनिस्ट्री उतना पहले इन्वेस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब सब्सटेंशियली सभी रियलाइज कर रहे हैं कि क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन का यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो कनेक्टिविटी जो आपका मेन उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है। सो आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अब सभी डीपीआर में, स्पेशली चारधाम की डीपीआर में जितने भी क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है सबका ट्रीटमेंट वो उसको टेकअप कर रहे हैं।